हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग मूवी मैदान के बारे में। फ्रेंड्स, अजय देवगन अभिनेता फिल्म मैदान को सेंसर बोर्ड ने बिना किसी कट और यू सर्टिफिकेशन के साथ पास कर दिया है। फ्रेंड्स, फिल्म 10 अप्रैल को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म का रन टाइम 3 घंटे 2 मिनट का है, जिससे मल्टीप्लेक्स में इसके शोज की संख्या सीमित हो सकती है। फ्रेंड्स, फिल्म की एडवांस बुकिंग रिलीज से 1 हफ्ते पहले 2 अप्रैल को शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, फिल्म के बारे में बात करते हैं तो निर्माता बोनी कपूर ने पहले कहा था, मुझे आश्चर्य हुआ कि बहुत से लोग सैयद अब्दुल रहीम जैसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में नहीं जानते हैं। वह एक गुमनाम नायक है जिनकी उपलब्धियों को सलाम किया जाना चाहिए। उनकी टीम में चुनी गोस्वामी, पीके बैनर्जी, बलराम फेकरो और अरुण घोष जैसे हीरो थे। सैयद अब्दुल रहीम का किरदार निभाने के लिए अजय देवगन जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत है। उनके साथ मैं बस यही उम्मीद कर सकता हूं कि हमारी फिल्म युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करेगी और भारत जल्द ही विश्व कप घर लाएगा। फ्रेंड्स, फिल्म मैदान 10 अप्रैल को हिंदी, तमिल, तेलुगु और कन्नाडा भाषाओं में रिलीज होगी। यह फिल्म अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की आने वाली फिल्म बड़े मियां छोटे मियां से टकराएगी। फ्रेंड्स, मैदान अमित शर्मा द्वारा निर्देशित है और बोनी कपूर, आकाश चावला, अरुणव जय, शेन गुप्ता और जी स्टूडियो द्वारा समर्पित है। फ्रेंड्स, फिल्म में अजय देवगन फुटबॉल कोच सैयद अब्दुल रहीम की भूमिका निभा रहे हैं और यह 1952 से 1962 के बीच भारत के स्वर्णिम फुटबॉल कॉल पर केंद्रित होगी। फ्रेंड्स, फिल्म में प्रियामणि, गजराज राव और रुद्रनील घोष भी सहायक भूमिकाओं में हैं। हालांकि फ्रेंड्स, आप इस फिल्म को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।